शास्त्रों के वाक्य हैं। इस प्रकार से 17वें अध्याय में भगवान ने तीन गुणों की महत्ता बतलाई। सत्वगुण में आने से ये पूरा समाज, ये पृथ्वी सत्युग में प्रवेश कर जाती है। आज भी अगर विश्व सत्य में हो तो पृथ्वी के ऊपर सत्वगुण है। और जब सत्वगुण की एक टांग भी टूट जाए, कहते हैं कि धर्म ये चारों युगों में, सत्युग में धर्म चारों टांगों पर खड़ा रहता है, जब बैल चारों टांगों पर खड़ा रहता है। शिव जी के शिवालय में जब जाते हैं आप, तो शिवालय में प्रवेश करने से पहले ही आपको नंदी जी बैठे मिलते हैं, शंकर भगवान के वाहन। वो बैल का स्वरूप है, वो धर्म का स्वरूप है। उसको हम पहले हाथ लगाते हैं कि हम धर्म के ऊपर चल रहे हैं। हे भोलेनाथ, हमारे प्रणाम स्वीकार करो, हमारा दूध स्वीकार करो, हमारा जल स्वीकार करो, हम आपको फूल लाए हैं, पत्ते लाए हैं, फल लाए हैं। नंदी जी के पहले हम हाथ लगाते हैं चरणों के। सत्युग में धर्म चारों पांव पर खड़ा होता है, इसलिए सत्युग कहलाता है। सच्चाई, सफाई, तपस्या और दया, ये चार पांव हैं धर्म के। यह 100% चारों पांव पे सत्युग खड़ा होता है, इसलिए सत्युग कहलाता है। धर्म खड़ा होता है, इसलिए वो सत्युग कहलाता है। ऐसा समय फिर एक टांग कैसे टूटती है? 25% लेस हो जाता है धर्म, तो त्रेता युग आता है। और यदि दो टांग टूट जाए तो द्वापर युग आता है। दो पैर पर धर्म खड़ा रहता है। 50% धर्म लुप्त हो जाता है समाज से। फिर आता है कलयुग। कलयुग में एक टांग पर, प्रारंभ में एक टांग पर कलयुग स्टार्ट होता है। 1/4 धर्म रहता है। शास्त्र कहते हैं कि श्री कृष्ण भगवान के इस धराधाम से जाने के समय से ही कलयुग का प्रारंभ है, यानी 5300 वर्ष कलयुग को हो गए चलते हुए। कलयुग की आयु 4,32,000 वर्ष आकी है। तो धर्म बिगनिंग में एक टांग पर, यानी 25% धर्म बसता है इस धरती के ऊपर समाज के अंदर। लेकिन कलयुग की आयु इतनी अधिक है कि धीरे धीरे टांग भी वीक, कमजोर पड़ जाती है, क्षत विक्षत हो जाती है, और धर्म पूर्णतया कलयुग में गिर पड़ता है। कहिए कि जब धर्म गिर पड़ता है, उसी समय को कलयुग कहा जाता है। कलहयुग, घर घर में कलह है, देश विदेश, एक देश दूसरे देश से टकरा रहा है, काले गोरे का कलह है, मैं मेरे का बड़ा बोलबाला हो जाता है। आदमी इतना सेल्फिश हो जाता है कि वो दूसरे, अब अपने स्वार्थ के लिए लाखों आदमी मरे तो मरो, कोई परवाह नहीं है। ये कलह युग है, कलयुग कहते हैं इसको। इसलिए शास्त्रों ने, महात्माओं ने, चैतन्य महाप्रभु ने और अनेकों ने यही कहा है कि कलयुग जो, तुलसीदास जी महाराज कितनी सुंदर चौपाई में गाते हैं, कलयुग केवल नाम आधारा, सिमर सिमर नर उतर ही पारा। कलयुग में हरि का नाम एकमात्र आधार है। यदि कोई को कलयुग, ये संसार से, जन्म मरण जरा व्याधि के चक्कर से छूट के मुक्त होके भगवत धाम को जाना हो, तो हरेर नाम, हरेर नाम, हरेर नाम एव केवलम, कलो नास्तेव 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 गतिरन्यथा। इस कलयुग में केवल हरि का नाम, केवल हरि का नाम, केवल हरि का नाम ही एकमात्र मार्ग है उस प्रभु के धाम में जाने का, उस परमानंद में प्रवेश पाने का। और कोई मार्ग नास्तेव नास्तेव नास्तेव, नहीं है, नहीं है, नहीं है। ये उपनिषदों के वाक्य हैं, और चैतन्य महाप्रभु जी ने अपने जीवन भर इनका उपदेश किया। हरेर नाम, हरेर नाम, हरेर नाम एव केवलम, कलो नास्तेव 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 गतिर अन्यथा।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। भगवान के पवित्र नामों का कीर्तन कीजिए, जप कीजिए, आप पवित्र हो जाएंगे, आपको उस वस्तु की प्राप्ति हो जाएगी जिसके लिए बड़े बड़े संत तरसते हैं, आनंद परमानंद भगवत प्राप्ति। इस प्रकार से आज का जो सत्संग का प्रसंग है वो 18वां अध्याय है, श्रीमद् भागवत गीता का 18वां अध्याय, उसमें प्रवेश करने और सत्संग करने आज हम जा रहे हैं। श्रीमद् भागवत गीता आपको सत पथ के दर्शन करा देती है, और जो श्रीमद् भागवत गीता को हृदयांगम करके जीवन को जीता है उसको भगवत प्राप्ति करा देती है। इतना पावरफुल यदि ये शास्त्र नहीं हो तो कोई, भगवान श्री कृष्ण की वाणी है, गीता शास्त्रमिदं पुण्यम यो पठेत प्रियतः पुमान विष्णोः पदम एवाप्नोति भय शोक आदि वर्जिता। विष्णु पद यानी वैकुंठ, वैकुंठ को प्राप्त कर लेता है आदमी, और जीते जी इस संसार में भय और चिंताएं व्याप्त नहीं होती, गीता की शरण में रहने से, गीता का अध्ययन करने से। गीता अध्ययन शीलस्य प्राणायाम परस्य च, प्राणायाम क्या, प्राणायाम के परायण रहने वाला, यानी सांस सांस में गीता आपके हृदय में बसी हो, प्राणायाम। गीता अध्ययनशीलस्य, गीता का अध्ययन करने वाला प्राणों से, हृदय से, प्रेम के साथ, भक्ति के साथ, श्रद्धा के साथ। यही नहीं कि हम चलो हम डॉक्टर हैं हम पढ़ लेते हैं क्या लिखा है, ओ ओ हाँ जानते हैं हम गीता में, अरे ठीक है वो गी नहीं, ये शास्त्र नित्य नूतन है। ये नहीं कि वो 5000 वर्ष पहले का समय था, कृष्ण जी ने अर्जुन को उपदेश किया, हमें क्या लेना देना, नहीं, अर्जुन के माध्यम से युग युगों के लिए भगवान ने तो कहा है कि सृष्टि के प्रारंभ में ये भागवत गीता का ज्ञान मैंने सूर्य लोक के राजा विभीष्वानु को दिया था। अभी वैज्ञानिकों को तो ये बात समझ में आती नहीं कि सूर्य लोक में भी राजा होता है, सूर्य लोक तो एक जलता हुआ आग का गोला है, इससे आगे उनकी मति नहीं जाती। इतना तो जानने लगे हैं वैज्ञानिक कि सूर्य की जो आगे जो अग्नि की लपटें उठती हैं उनमें बहुत अधिक तापमान है, लेकिन जितना भीतर जाओ उतना तापमान कम होता जाता है। नहीं, सूर्य लोक के ऊपर हम जैसे पृथ्वी पर रहते हैं ऐसे लोग रहते हैं, ये शास्त्र कहते हैं, और शास्त्र प्रमाण है। तो राजा विभीष्वानु थे कभी, वैवस्वत मनु उसके बाद, उनके बाद वैवस्वत मनु आज की तार, फिर इक्ष्वाकु महाराज वैवस्वत मनु के पुत्र। तो इन बातों को समझने के लिए हमें भागवत गीता पढ़नी चाहिए। इमं विवश्वते योगं प्रोक्तवान हम अव्ययम् विविश्वान मनवी प्राह मनोरिक्षा कवे ब्रवीत एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षियो विदुः सकाले नेह महताः योगो नष्ट है परंतप सैवायम मया तेद्य योग प्रोक्त पुरातन भक्तो असीमे सखा चेति रहस्यम हे तद उत्तमम। हे अर्जुन तू मेरा भक्त है और मेरा मित्र भी, इसलिए वही पुरातन ज्ञान तुझे मैं देने जा रहा हूं, ध्यान से सुन। ठीक है,
समय का अभाव है, इसलिए मैं वाणी को विराम देता हूँ। जय गोपाल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जया मुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमे श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ओम शांति शांति शांति। जय गोपाल। आइए सत्संग प्रेमीजनों, आपका हार्दिक स्वागत है श्रीमद् भागवत गीता के इस सत्संग में। पिछले सत्संग की कड़ी में हम नहीं कह पाए, समय का अभाव था। आइए आज श्रीमद् भागवत गीता के 18वें अध्याय में प्रवेश करते हैं और भगवान की मधुर वाणी को सुनते हैं, जो वाणी सभी का कल्याण करती है। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एको देवो देवकी पुत्र एव, एको मंत्रस्य तस्य नामानि यानि, कर्माप्य एकम तस्य देवस्य सेवा। लोग भ्रमित होते हैं कि एको मंत्रस्य तस्य नामानि यानि कि देवकी पुत्र का ही एकमात्र मंत्र है, औरों का नहीं। अनेकों धर्म है धरती पर और दूसरी धरतियों पर नहीं। एको बहु नाम, वो एक ही तो बहुत नामों से जाने गए हैं। परमेश्वर तो एक ही है सभी का, हम सभी उनके अंश हैं। ममेव अंशो जीव लोके जीव भूतः सनातना, जैसे भगवान ने स्वयं कहा है गीता में कि अनंत ब्रह्मांडों में ये अनंत आत्माएं ये मेरे अंश हैं, हम सभी उनके अंश हैं। फिर उनको आप चाहे कृष्ण कहो, राम कहो, रहमान कहो, अल्लाह कहो, बिस्मिल्लाह कहो या जीसस कहो, जो कुछ अनेकों नाम है। एको बहु नाम, बहुत नामों से जाने गए, करोड़ों खरबों नामों से अरबों नामों से एक ही परमेश्वर है। संस्कृत के विद्वानों ने उनको कृष्ण कह के बोला क्योंकि उनका जैसा आकर्षण कहीं नहीं है। है क्या परमेश्वर का जो परम ऐश्वर्यवान है, जो सड़ ऐश्वर्य प्रधानता में जिनके पास है, उनके जैसा कोई, वो परम रूपवान है, परम शक्तिवान है, परम धनवान है, परम वैराग्यवान है, परम बुद्धिमान है। तो सड़ छह ऐश्वर्य प्रधानता में जिनके पास है उनको परमेश्वर कहते हैं। इसलिए उनका जैसा कोई आकर्षण कहां मिलेगा। ब्रह्मा जी कहते हैं ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम, ही इज द कॉज ऑफ ऑल कॉजेज। वो परम आकर्षण, वो कृष्ण, संस्कृत में कृष्ण कहते हैं, हिंदी में हम आकर्षण कहते हैं, इंग्लिश में अट्रैक्शन कहते हैं, इज द ऑल अट्रैक्टिव, इट मींस कृष्ण जो सबको मोहित करते हैं। उनका एक नाम मोहन है, मनमोहन, सबके मन को चुरा लेते हैं, मोहित कर लेते हैं, अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। द्वापर में भी जब कृष्ण थे तो सब उनको, उनके रूप को देख करके सब उनके झुक जाते थे, चरणों में मोहित हो जाते थे उनको देखते। असुरों को छोड़ के, असुरों को छोड़ के, असुर भी टूट जाते थे लेकिन समय लगता था समझने में, या फिर भगवान की इच्छा नहीं थी, उनको पनिशमेंट देना ही था तो फिर वो कैसे समझे भगवान को। उनको पनिश करने के लिए तो आए थे,
यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। वो आए असुरों के संहार के लिए थे, असुरों का संहार किया, ये पृथ्वी का भार उतारा जो पापियों से लदा पड़ा था, श्रीमद् भागवत गीता का 18वां अध्याय सुनिए। अर्जुन उवाच, अर्जुन बोले, सन्यासस्य महाभाहो, सन्यासस्य महाबाहो, तत्त्वम् इच्छामि वेदितुम्, त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक्केश निसूदन। अर्जुन सेड, ओ माइटी आर्म वन, आई विश टू अंडरस्टैंड दी पर्पस ऑफ रेनाउंसिएशन यानी त्याग, एंड ऑफ द रिनाउंस्ड ऑर्डर ऑफ लाइफ यानी संन्यास, ओ किलर ऑफ द केसी डीमन मास्टर ऑफ द सेंसेस। यहां अर्जुन ने पूछा है, भगवान के दो नाम यहां पर अर्जुन ने अपने मुख से उच्चारण किए, एक तो ऋषिकेश कह के बोला है अर्जुन, और दूसरा केशनी सुदन, केशी नाम का एक राक्षस कंस का भेजा हुआ जो घोड़े के रूप में, एक ताकतवर घोड़े के रूप में आया था और लात दे दे के और कृष्ण बलराम को मार देने की चेष्टा की। भगवान कृष्ण तो बाल स्वरूप में थे उस समय, 8 साल की अवस्था होगी, 9 साल की होगी, उन्होंने पांव पकड़ के उस केसी को ऐसा ऊपर को फेंका कि वो ताड़ के पेड़ में अटक गया और मुंह खोल दिया, मर गया। तो इसलिए लोगों ने केशनी सूदन कह के पुकारा, केसी को मारने वाले, उनका एक नाम केशनी सूदन पड़ गया। ऋषिकेश कहते हैं जो सभी इंद्रियों को तृप्त कर दे, सारे विश्व ब्रह्मांड को जो तृप्त कर दे, उसको ऋषिकेश कहते हैं। तो मास्टर ऑफ द सेंसेज, और जो जो तमाम सेंसेज यानी इंद्रियों का मास्टर जो होता है उसको सेंसेज, उसको ऋषिकेश कह के पुकारा गया। तो अलग अलग नामों से भगवान को जाना गया, कहीं मधुसूदन, कहीं माधव, कहीं केशव, कहीं दामोदर, इन सब नामों के साथ में एक एक लीला भगवान की जुड़ी हुई है। मधुसूदन भी मधु कैटब नाम के असुरों को मारा तो मधुसूदन कहलाए। माँ यशोदा ने एक बार कृष्ण भगवान को रस्सी से बांध दिया था, ओखली से, ओखली मूसड़ जो होते हैं ओखली से, तो उनका नाम दामोदर पड़ गया, तो लोग दामोदर कह के बोलने लगे। दाम यानी रस्सी, उदर यानी पेट, रस्सी से पेट को बांध दिया था दामोदर भगवान। छोटे घुटनों के बल चलते थे उस समय तो कृष्ण जी। तो यशोदा माँ को, और एक दिन नाराज हो गए क्योंकि यशोदा माँ गोदी में लेकर के दूध पिला रही थी, स्तनपान करवा रही थी, तो एकदम से ध्यान आया यशोदा जी को कि मेरा दूध तो आग पर रखा है कि निकल तो नहीं जाएगा, तो तुरंत ही कृष्ण जी को जमीन पर डाल के और दूध को संभालने के लिए चली।